जय श्री कृष्णा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग नीट 2020 का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हो रहा है। तो अब इसके अंदर आप जैसे देखें, ये एक क्वेश्चन था, क्योंकि हर कोड के अंदर अलग अलग क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग होती है, तो मैं क्वेश्चन किसी भी एक कोड के हिसाब से टेकअप करके और उसके अंदर जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा। तो एक सवाल इसके अंदर आया था, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 केपीए एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटीज। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? तो अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो जैसे ये एक इजी क्वेश्चन हम लोग मानेंगे, वैसे इस बार का पेपर ओवरऑल ही इजी माना जाएगा। तो जो डेंसिटी इसकी होगी, डेंसिटी का जो फार्मूला था अपने पास, वो फार्मूला जो मैंने बताया था क्लास में, वो क्या था? रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, प्रेशर है 249 केपीए, ये जाएगा 249 इंटू 10^3 केपीए था ना। मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास वैसे तो 2 ग्राम होता है, लेकिन हम लोग अगर एमकेएस में काम कर रहे हैं तो मोलर मास 2 इंटू 10^-3 लिखना पड़ेगा। मैं मास ग्राम में 2 है तो केजी में 2 इंटू 10^-3 हो जाएगा अपॉन आर टी। आर जो है वो 8.31 ले लेते हैं इंटू टेम्परेचर 300 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू सॉल्व करने पर आती है ये 0.2, मतलब इसको पूरा सॉल्व करोगे जब आप, तो सॉल्व करने पे 0.2 आ जाती है, 0.2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। ये देखिए अगला सवाल जो आ रहा है उसको देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास है 5 किलो 10 किलो, दोनों जो हैं एक रॉड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर इसका हो जाएगा। ये एक 10 केजी का पार्टिकल है, ये एक 5 केजी का पार्टिकल है और 1 मीटर लंबी रॉड से जुड़े हैं, रॉड का कोई मास नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो 5 किलो वाले पार्टिकल से कितनी दूर है। तो आप याद करें, जैसे आप अपने नोट्स को भी देखेंगे तो वहां उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मास है, अगर मान लीजिए एक M1 है, दूसरा M2 है और इनके बीच की दूरी L है, तो M1 से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी आती है उसका एक रूल भी बताया था, आप निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके, पर उसकी ट्रिक बताई थी कि जिस मास से दूरी निकालनी है तो जैसे इससे निकालनी तो सेकेंड मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई टोटल मास। हाँ, तो ये वाला जो मास है, जैसे इससे दूरी निकालनी है तो हम सेकंड मास लेंगे, तो सेकंड मास कितना आ जाएगा 10 केजी, सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई अपॉन 10+5। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1000 अपॉन 15, फिर ये हो जाएगा 200/3 और ये कितना आ जाएगा, लगभग 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 67 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक मतलब इजी क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस बार पेपर के अंदर ज्यादातर जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, कुछ तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिसके अंदर कुछ आपको डिस्कस ही नहीं करना, कुछ बताने ही नहीं, सीधे वो आपको याद है तो याद है, बायो टाइप के थे। कुछ ऐसे थे जो सॉल्व करने वाले थे, तो सॉल्व करने वाले भी बहुत ज्यादा ऐसे हाई लेवल के सवाल नहीं थे, आसानी सवाल थे। तो बच्चों, ये जैसे एक सवाल था नीट 2020 का, और ये क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं कह सकते, आसान भी नहीं कह सकते, इस टाइप के सवाल बहुत सारे स्मॉल एंगल प्रिज्म के होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि भाई एक लाइट रे है किसी छोटे एंगल के प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, और गिरने के बाद एंगल ऑफ जो है एपेक्स एंगल इन्होंने दिया हुआ है, ये गिरने के बाद दूसरे सर्फेस से नॉर्मली निकल जा रही है, ये एंगल 90 हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं रे इज इंसिडेंट ऑन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सर्फेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सर्फेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया है आई। देखो भाई, ये एंगल ए के बराबर है, नॉर्मली निकल गई तो ये वाला 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये 90 - a होगा, और ये वाला जो एंगल आएगा ये ए के बराबर हो जाएगा। भाई तीनों का जोड़ 180 होता है, ये 90 था तो ये ए था, तो ये 90 - हो जाएगा और ये वाला एंगल ए के बराबर हो जाएगा। अब मैं इस जगह पे स्नेल का नियम लगा दूं, स्नेल का नियम क्या होगा, स्नेल का नियम होगा 1 sin i इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है इन्होंने, म्यू साइन ए। अच्छा, जब ये बोलते हैं ना कि प्रिज्म का एपेक, मतलब पतला प्रिज्म है, एपेक्स एंगल जो है वो स्मॉल है, तो इसका मतलब ए छोटा होगा,
ए छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर छोटा है, तो स्निथ लॉ के हिसाब से ये भी छोटा हो जाएगा। अब जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो वन साइन आई की जगह हम लोग सिंपली आई लिख सकते हैं और साइन ए की जगह ए लिख सकते हैं, तो आई की वैल्यू मी इंटू ए के बराबर हो जाएगी। आई अगर मी इंटू ए के बराबर जाएगा तो इसके अंदर चौथा आंसर सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये सवाल आपका नीट का जो आया था 2020 के अंदर, तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था और हम इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, ना इसको इजी मानेंगे ना इसको टफ मानेंगे, मतलब मॉडरेट से इजी के बीच में है ये क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड है। अगर आप देखें तो धरती, जैसे क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूँ कि धरती की सरफेस पर एक बॉडी जो है उसका वेट जो है वो 72 न्यूटन है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसका उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जब वो धरती के रेडियस के आधे रेडियस की ऊंचाई पर चली जाएगी तो उसके ऊपर धरती फोर्स कितना लगाएगी। तो पहले देखें धरती के सरफेस पर उसका फोर्स जो है वो 72 न्यूटन है और ये बराबर हो जाएगा m इंटू जी नॉट। जी नॉट का मतलब जो भी वेट होता है वो mg के बराबर होता है। जी नॉट मैंने धरती के सरफेस पर g की वैल्यू मान ली। अच्छा, जब हम धरती से h ऊंचाई पर जाते हैं तो जो g की वैल्यू होती है उसका फार्मूला आपको बता रखा है, g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1+h/r का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको सबको पता है, नोट्स के अंदर देखेंगे आपको मिल ही जाएगा। तो जी इज इक्वल जाएगा जी नॉट 1+h/r का होल स्क्वायर। मुझे जी नॉट नहीं पता है, इन्होंने बताया है कि हाइट जो है धरती के रेडियस का आधा है, तो h की जगह मैं re/2 कर दूंगा, h की जगह मैं re/2 कर दूंगा, re से re उड़ जाएगा, 1+1/2 हो जाएगा 3/2, स्क्वायर करेंगे 9/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4g0/9। ये g की वैल्यू आ जाएगी। अब जो g की वैल्यू आएगी धरती के सरफेस से re/2 ऊंचाई पर, g की वैल्यू इतनी आ गई है, तो अब जो फोर्स लग रहा होगा वो mg के बराबर होगा, तो m तो m ही है और g की जगह हो जाएगा 4g0/9, हो जाएगा 4/9 mg0। mg0 की वैल्यू पहले ही 72 आ चुकी थी, तो ये हो जाएगा 4/9 × 72, ये हो जाएगा 9 × 8 और 4 × 8 = 32 न्यूटन, तो ये 32 न्यूटन के बराबर उसका वजन हो जाएगा। वजन का कंसेप्ट क्या है, वेट का मतलब क्या है, धरती जिस फोर्स से हमें खींचती है उसका वजन है। वेट का मतलब यही कि धरती हमें जिस फोर्स से खींचे, तो धरती हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है वो mg के बराबर लगाती है, लेकिन g की वैल्यू 4g0/9 आ गई, तो जो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा वो 32 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये सवाल है, एनर्जी इक्विवेलेंट पूछा है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंसेस। तो आइंस्टाइन का जो रिलेशन था ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसके हिसाब से एनर्जी को, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मास को एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करें तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से ये हो सकता है। तो E इज इक्वल टू अगर हम mc स्क्वायर लगाए हैं तो ये मास कितना है, 0.5 ग्राम है, तो 0.5 × 10⁻³ - 3 ये किलोग्राम में हो जाएगा। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 0.5 × 10⁻³ - 3 × 9 × 10⁻⁙, ये हो जाएगा, और 9 × 0.5 हो जाएगा 4.5, हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ जूल। तो 4.5 × 10⁻³ जूल, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर मास देखो एएमयू में होता तब तो कन्वर्जन फैक्टर होता है 931.5 एमईवी के बराबर, लेकिन अगर एमयू में नहीं है तो ई बराबर एमसी स्क्वायर से हम लोग कर सकते हैं। एम की वैल्यू ये है, सी की ये वैल्यू है, सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ जूल, ये आंसर आ जाएगा इसका। एक ये देखिए सवाल है 2020 नीट का, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 r2 थ्रू 1k r in रेशियो। तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसका रेशियो क्या होगा, तो उसका रेशियो क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। तो अगर मुझे हीट चाहिए, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, तो अगर मुझे हीट चाहिए तो डेल्टा क्यू वन जो हो जाएगा वो m1 s1 ∆T1, और डेल्टा क्यू टू जो आएगा यह आएगा m2 s2 ∆T2, यह आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि दोनों का टेम्परेचर एक ही एक केल्विन बढ़ाना है, और ये भी बोला है ना कि दोनों की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम है, ऐसा बोला तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, कि भाई मटेरियल सेम है, तो इसके अंदर अगर मटेरियल सेम होगा तो डेल्टा टी वन और डेल्टा टी टू बराबर है, S1 S2 भी बराबर हो जाए, अगर हमें नहीं बोला है तो हम दोनों का मटेरियल सेम लेंगे। तो
अब इसमें दोनों का मटेरियल सेम लेंगे तो डेल्टा क्यू वन अपॉन ये एस वन से एस टू कट जाएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू वन अपॉन डेल्टा क्यू टू ये हो जाएगा एम वन अपॉन एम टू। मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर वन क्यूब, ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर टू क्यूब यहाँ जाएगा। अब डेल्टा क्यू वन अपॉन डेल्टा क्यू टू का हम रेशियो निकालेंगे तो रो से रो चला गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, तो ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू टू दी पावर थ्री। आर वन जो है ठीक है, इसमें क्वेश्चन के अंदर हाँ एक चीज मैंने मैं लिखा नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ ठीक है। एक बार देखिए इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि कॉपर के स्पेयर हैं और रेड आर वन जो है वो 1.5 R2 है, ये क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना भूल गया था, आर वन 1.5 R2 के बराबर है और ये दोनों कॉपर स्पीयर्स हैं, ये भी बोला था, तो कॉपर स्पीयर्स हैं तो इसका मतलब मटेरियल तो सेम है ही, फिर वो तो एस वन एस टू सेम होगा डेल्टा टी वन, तो आर वन अपॉन आर टू का क्यूब, आर वन जो है वो 1.5 R2 है, 1.5 R2 अपॉन आर टू का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब यह जाएगा। अब 1.5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ये 1.5 का क्यूब का मतलब 1.5 का स्क्वायर होता है, 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2.25 इंटू 1.5 ये हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने में ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी देखते हैं, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 225 इंटू 1.5 अपॉन 100 कर देता हूँ मैं इसको, तो ये 25 से जाएगा 9 बार, हाँ तो 9 इंटू 1.5 और इधर जाएगा ये 4 बार, फिर ये 1.5 3/2 हो जाएगा, 3 इंटू 9 27, तो ये 27/8 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व हम करेंगे तो ये 27/8 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया, स्क्रू गेज का सवाल आ गया, ये सवाल भी हम लोग इसी सवाल की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये सवाल जो है इसके अंदर सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी थी। तो क्वेश्चन ये है कि भाई स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट दे रखा है और सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रू गेज होता है उसमें सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं 50 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन अगर है सर्कुलर स्केल पे तो जो पिच होती है, पिच का जो डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, ये बराबर होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ये आता है। तो पिच होगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, अभी लीस्ट काउंट इन्होंने खुद ही दे रखा है 0.01 mm और नंबर ऑफ डिविजन्स है 50, तो ये बेसिकली 0.5 mm हो जाएगा, 0.5 mm के बराबर ही हो जाएगा, जितना वो घूम करके जाएगा वो आ जाएगा, तो 0.5 mm के बराबर हो जाएगा, ये इसका पिच वाला सवाल हो गया। तो एक ही एसी सर्किट का क्वेश्चन है, ये मॉडरेट और टफ के बीच का क्वेश्चन है, टफ तो नहीं कह सकते लेकिन इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट में से हल्का सा अपर साइड में है ये। तो इसके अंदर सीरीज LCR सर्किट है, इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नोट्स वगैरह में भी, ये L है, ये C है, ये R है, AC सोर्स के साथ हमने लगा रखा है ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ये इतना तो आपको याद ही होगा कि tan phi जो होता है वो होता है XC-XL/R ठीक है, tan phi XC-XL के XL अपॉन R के बराबर होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम L को रिमूव कर दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं व्हेन L इज रिमूव्ड, L को रिमूव करेंगे तो XL जीरो हो जाएगा और जो करंट है वो पाई बाई थ्री जो है उसका, द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज पाई बाई थ्री। अच्छा जब L रिमूव करते हैं तो कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर होगा तो करंट आगे हो जाएगा, तो करंट आगे हो जाएगा, तो tan अगर हम L को रिमूव करते हैं तो हो जाएगा tan पाई बाई थ्री इज इक्वल टू XC-0 अपॉन R इज इक्वल टू XC/R, tan पाई बाई थ्री आ जाएगा। अभी C को रिमूव कर देंगे तो भी फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री आ रहा है, लेकिन सी रिमूव करेंगे तो ये इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा और इस बार जो करंट होगा वो वोल्टेज से लैग कर जाएगा, पीछे रह जाएगा, वैल्यू तो पाई बाई थ्री है लेकिन पीछे रह जाएगा, तो अगर मैं सी रिमूव करूंगा तो 5-π/3 हो जाएगा, तो tan-π/3
इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्सएल अपॉन आर, सॉल्व करने पर जो टैन पाई बाई थ्री है ये एक्सएल अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, माने एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। अगर आप यहां से देखें तो एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो गए, एक्सी एक्सएल दोनों बराबर हो गए। तो अगर मैं पूरी एलसीआर सर्किट लूंगा, जब पूरी एलसीआर लूंगा तो एक्सी एक्सएल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टैन फाई जो है वो जीरो आ जाएगा। टैन फाई जीरो का मतलब फाई जीरो हो गया। और पावर फैक्टर कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, तो पावर फैक्टर की वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बेसिकली है तो जैसे न्यूमेरिकल, लेकिन ये कंसेप्ट से भी कंसेप्ट पर बेस्ड है, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डेढ़ गुनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है, जो भी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है 1.5 इंटू न्यू टी एच है, इतनी इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप याद करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, थ्रेशोल्ड की ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थी कि उससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, हाँ उससे ज्यादा जरा सा भी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होने लगेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी डेढ़ गुनी है तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन तो हो रहा होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को हमने आधा कर दिया, अब आधा कर दिया तो आधे का मतलब 1.5 बाई 2 न्यू टी एच, यानी अब जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 0.75 न्यू टी एच हो गई, यानी कि जो नई फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम आ गई। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होता है तो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। भाई पहले फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की 1.5 थी तो पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, अब इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से मतलब ही नहीं है, इंटेंसिटी जो भी किया लेकिन इन्होंने ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, आधा कर दिया तो 1.5 बाई 2 न्यू टी एच तो कितना 0.575 न्यू टी एच हो गया। इसका मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे नहीं तो बात ही खत्म हो गई, आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है नीट 2020 के फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये बीट का एक रूटीन क्वेश्चन है। हम इसको ना टफ बोलेंगे ना इजी बोलेंगे, मॉडरेट में इसको हम रखेंगे, नीट के हिसाब से ये मॉडरेट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो स्ट्रिंग्स हैं, गिटार की दो रस्सियां हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए की फ्रीक्वेंसी 530 है, ए की जो फ्रीक्वेंसी है ये 530 है और बी उसके साथ 6 हर्ट्ज का बीट दे रहा है। तो बी अगर उसके साथ 6 हर्ट्ज का बीट दे रहा है तो या तो बी की फ्रीक्वेंसी इससे 6 कम होगी या 6 ज़्यादा होगी। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी तो 524 की आती है और एक 536 की आती है, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हम चूज करेंगे उसके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी हमें दे रखी है। इन्होंने बोला है कि अगर हम बी का टेंशन जो है वो स्लाइटली घटा देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ बी की फ्रीक्वेंसी 536 थी, इसका टेंशन, अच्छा फ्रीक्वेंसी टेंशन के मतलब टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो अगर मैं इसका टेंशन घटा रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो मान लेता हूँ मैं कि 536 थी, तो 536 थी तो टेंशन मैंने घटाया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो 535 हो गई, तो बीट फ्रीक्वेंसी यानी इनका अंतर जो है वो 5 हो गया, जबकि इन्होंने कहा है कि इनका अंतर बढ़ रहा है। अब इससे देखें, मान लो 524 थी और हमने थोड़ा सा टेंशन घटा दिया तो ये घट के 524 से ये 523 हो जाएगी, तो जो ये अंतर है ये बढ़ जाएगा। तो यही बोला है कि बी का टेंशन घटाने पे अंतर बढ़ रहा है, तो अगर अंतर बढ़ रहा है तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 524 हर्ट्ज के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा।